हेलो एवरीवन, मैं अनिल ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो आपके पास पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। बोला जा रहा है कि भारत के दक्कन ट्राइब की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदागर का परिणाम है। इसका मतलब क्या है, देखो इस क्वेश्चन को समझना है पहले। तो बोल जाता है कि इंडिया में जो जो आपके पास दक्कन ट्राइब है ना, बोल जाता है वो किस तरह के ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। तो पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास दक्कन ट्रैप होता है वो होता क्या है। रियलिटी में जो आपके पास दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप का मतलब होता है लावा से बनी हुई चट्टाने, उसी को हम क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप। लावा से बनी हुई चट्टाने उसी को क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप। तो बोल जाता है ये इंडिया में आपके पास पाया जाता है, जो आपके पास महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पे आपके पास इंडिया का दक्कन ट्रैप पाया जाता है। तो ये पूछता है वो कौन से ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। कि ज्वालामुखी, आपको पता है ज्वालामुखी क्या चीज है। अगर मैं धरातल की बात करूं, धरातल से जब बोल जाता है पिघला हुआ मैग्मा जब ऊपर पहुंच जाता है तो वो आपके पास ठंडा होकर लावा बन जाता है। तो यहां पे बोल जाता है ये जो आपके उस मैग्मा है ना, मैग्मा इस टाइम क्या होता था, बोला भारी मात्रा में आपके पास मैग्मा अंदर से निकल रहा है और वो लावा के रूप में आपके पास क्या हो रहा है, फ्लडिड हो जा रहा है। फ्लडिड का मतलब क्या होता है कि फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। क्लियर है ये चीजें। तो ये जो प्रोसेस थी हमारी ये काफी लाखों बरसों पुरानी है। जैसे हमने पहले अपने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं पूरे पृथ्वी के समय को देखूं तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एरा, एक इपोच, एक पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए ये जो दक्कन के ट्रैप है ये कौन से टाइम में बने हुए हैं, तो याद रखना ये क्रिटेशियस पीरियड में बने हुए हैं। क्रिटेशियस की स्पेलिंग CREA CREATUS, क्रिटेशियस टाइम में आपके पास ये चीजें, ये जो आपके पास दक्कन के ट्रैप है ये बने हुए हैं। दक्कन का ट्रैप का मतलब कुछ खास नहीं है, कि मतलब एक तरह से लावा की चट्टाने हैं ये, और लावा की चट्टाने ये बनी किसकी वजह से, जब आपके पास जो मैग्मा था ये लावा था वो क्या कर रहा था, जब आपके पास वो फ्लड के रूप में, बाढ़ के रूप में है ना, आपके पास देखने को मिल रहा था, जब वो प्रवाह के रूप में चल रहा था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लडेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सीरीज चल रही है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उनको पता है ये कहां से पूछ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। देखो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियां हैं, पर ये कहां की आपके पास नदियां हैं, छोटी छोटी है ना, नालों के रूप में ये नदियां दिखाई देती हैं। तो ये आपके पास उत्तराखंड की नदियां हैं, और बोल जाता जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है ना, तो उसके बाद एक है ना, यहाँ पे एक नदी को है ना एक तरह से नाम देती हैं, यह भारत की सबसे लंबी नदी जिसको आप बोलते हो गंगा का निर्माण करती हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी नदी का आपके पास निर्माण करते हैं, और जो कि भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, नाम है गंगा नदी। तो बोल जाता है ये कौन से क्षेत्र में दोनों मिलती हैं, तो याद रखना आपके पास उत्तराखंड में ही एक क्षेत्र है जिसको हम नाम देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम देते हैं उसको, देवप्रयाग। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके पास अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है, देवप्रयाग में, और ये कहां पे है, ये भी आपको पता है कहां पे है, नाम था उत्तराखंड में, और उसके बाद इसको क्या नाम दिया जाता है इस नदी को, गंगा, जो कि आपके पास भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने बोला भारत की सबसे लंबी नदी आपके पास गंगा है, तो मेरे को बताओ दक्षिणी भारत है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, और पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है जो कि जल के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें टाइप करके जरूर लिखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहां से निकलती है। देखो अगर मैं सतलुज नदी की बात करूं, सतलुज नदी से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो क्या सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, सतलुज नदी का सांस्कृतिक नाम क्या है, ये आप लोग मेरे को बताने वाले हो, सतलुज नदी का वैदिक और सांस्कृतिक नाम क्या है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहां से निकलती है। तो यहां पे बिल्कुल जो सही आंसर है, याद रखना सबसे पहली बात तो ये अगर देश की बात करी जाए तो ये इंडिया से नहीं निकलती है, ये कहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में बोला जाता है, तिब्बत में आपके पास एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास ही आपके पास एक राक्षस ताल, या जिसको हम क्या बोलते हैं रक्स ताल नामक क्षेत्र है, वहां से आपके पास ये निकलती है। क्या बोला गया, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के साथ आपके पास बोल जाता है राक्ष ताल से निकलती है, है ना, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है, ये सही था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, बोला गया, अच्छा एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन बोल जाता है सतलुज नदी निकली तो वहां से कहां से, ये तिब्बत से निकल रही है, पर ये जब यहां पे जब आपके पास बोल जाता है ये हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है तो ये कौन से क्षेत्र से पास होके हिमाचल प्रदेश में यहां पे एंट्री करती है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज के टाइम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ट्रिब्यूटरी है ना, बहुत सारी रिवर्स रिवर्स का नाम है यहाँ पे यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, ये ट्रिब्यूटरी का मतलब कि इसकी सहायक नदी पूछ रहा है, बोला कि कौन नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना जो सिरसा नदी है ना, सिरसा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, सिरसा नदी जो है वो आपके पास है सतलुज नदी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है ये सतलुज की, और ये लगभग सोलन के आसपास के क्षेत्रों में बोल जाता है ये निकल के सतलुज में एंट्री करती है और लास्ट में ये सतलुज के साथ कहां पे निकल जाती है, पंजाब के क्षेत्रों में निकल जाती है। तो सिरसा आपको याद रखनी है, तो इसी तरह से आपसे आगे के टाइम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है गिर नदी, टोंस नदी और सोम नदी, ये जो सारी की सारी है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगर मैं गिर रिवर की बात करूं, ये जुब्बल डिस्ट्रिक्ट शिमला से आपके पास निकलती है, गिर रिवर जो है वो जुब्बल, जुब्बल चोटी आपने सुना होगा वहां से आपके पास निकलती है ये शिमला से। टोंस रिवर की बात करूं तो उत्तराखंड से निकलती है, अगर मैं सोम रिवर की बात करूं तो हरियाणा से आपके पास निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट था, बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का अगर मैं ऐसे अपनी समझ के लिए आपको अर्थ बताऊं तो क्या होता है, भीड़ भड़ाके वाला इलाका। मैंने बोला भीड़ भड़ाके वाला इलाका, तो भीड़ भड़ाके वाले इलाके से आप समझते क्या हो, एक पैरामीटर तो होगा ना, बोल जाता है वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को देखा जाता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को देखा जाता है और देखा जाता है यहाँ पे टोटल कितने पर्सन्स रह रहे हैं। अगर हमारे पास बोल जाता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रह रहे होंगे तो मतलब ऐसा होगा कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है आपके पास बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब कि वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां स्थित है। तो पहले तो ये चीज समझनी है, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है क्या, ये इसरो, आपको पता है भारत का एक अंतरिक्ष केंद्र है इसरो, उसको बोल जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाती है, उसका एक आपके पास एक सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो यहां पे याद रखना ये हैदराबाद में है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो आपके पास ऊपर सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन जो भी लेनी होती है वो किसका काम होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग। और जब ये इस तरह का काम करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो सैटेलाइट से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करना, इकट्ठा करना है ना, सूचनाओं को इकट्ठा करना इसका काम है, और लास्ट में इन्हीं सारी चीजों के जरिए ही आपके पास जो हमारा एक वेदर फोरकास्टिंग का टॉपिक चलता है ना कि समय से पहले ही बता दिया जाता है कि आज वर्षा होने वाली है, आज से 7 दिन तक लगातार वर्षा होने वाली है, तो वो ये सारी चीजें आपके पास बोल जाता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से ही जज करी जाती है। तो याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है ये जो सेंटर है वो कहां पे, हैदराबाद में। ये सही हो चुका है तो मेरे को जल्दी से बताओ, मैंने बोला ये इसरो का आपके पास एकमात्र सेंटर है ना, तो मेरे को बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है और इसरो के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, और हमने ये सारी चीजें देखी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये जो गरीबी रेखा की बात करी जाती है ना इसको बोल जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पहले तो हमें यह समझना है कि बिलो पॉवर्टी लाइन होती क्या है। देखो बिलो पॉवर्टी लाइन ये जो आपके पास आंकड़े हैं, ये आपके पास जो कमेटी निकालती है इस आंकड़े की, जो आपके पास जो कमेटी यहाँ पे पूरे आंकड़े देती है उसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास गरीबी रेखा के जो भी आंकड़े हैं वो कौन निकाल के देती है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो बोल जाता है ये बीपीएल में आते कौन है, ये जो पर्सन है ये बीपीएल में आते कौन है, पैरामीटर क्या है। याद रखना बोल जाता है अगर गाँव में कोई व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये से कम खर्चा करता है, तो बोल जाता है अगर गाँव में प्रति माह
कोई व्यक्ति 816 रुपए से कम खर्चा करता है तो उसको बीपीएल से नीचे माना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है या बिलो पॉवर्टी लाइन में माना जाता है। अगर उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे गांव शहरों की बात करूँ तो शहरों में ये जो पैरामीटर है 1000, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए से कम आपके पास पैसा खर्च करता है तो उसको क्या बोल जाता है कि वो बीपीएल के अंडर आता है। तो यहाँ पे क्या बोल जाता है, बीपीएल से नीचे जो गरीबी रेखा है ना, गरीबी रेखा क्या था, अगर 1000 रुपए कोई खर्च रहा है तो मतलब वो आपके पास क्या है बोल जाता है, वो सामान्य मान जाता है, पर उससे नीचे आपके पास बीपीएल में काउंट किया जाता है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो आपके पास ना ये जो बीपीएल से नीचे वाली जो आपके पास है ना जनसंख्या, वो कौन से राज्य में है। तो याद रखना ये जो आपके पास अनुपात है वो सबसे कम आपके पास वैसे तो कहां पे चलता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो बिहार है। बिहार में लगभग 33.47% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, मतलब कि उनका जो प्रति माह का खर्चा है वो 816 और 1000 रुपए से कम आता है। तो याद रखना वो कितने हैं, 33.47% बिहार। पर अगर मैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना इसको देखूं तो इसमें आपके पास जो आंसर बनता है हमारे अकॉर्डिंग, ऐसा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं बीपीएल से नीचे, है ना, ये बीपीएल वाले जो आपके पास कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, तो याद रखना छत्तीसगढ़ नंबर वन पे आता है छत्तीसगढ़। और इसमें आपके पास कितना परसेंटेज चलता है, 39.93%, छत्तीसगढ़ का कितना 39.93%। नंबर टू पे चलता है झारखंड, झारखंड में चलता है आपके पास प्रतिशत, अगर मैं 36.96% की बात करूं तो यहां पे जो लोग हैं वो बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं। अगर मणिपुर की बात करूं वो नंबर तीन पे चलता है, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं नंबर चार पे चलता है, और नंबर पांच पे आपके पास क्या था, बिहार। तो याद रखना यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिहार ऑप्शन है, पर अगर हम ऐसे देखें तो ओवरऑल आपके पास सबसे ज्यादा जो बीपीएल का रेशियो देखने को मिलता है वो आपके पास है छत्तीसगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुतम भाषा वर्ग कौन सा है। ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोलता है कि स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप किसका है, है ना, स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप। अगर हम इन सारी भाषाओं की बात करें तो सबसे छोटा जो वर्ग है वो है कश्मीरी भाषा का। किसका है, कश्मीरी भाषा का। अच्छा मेरे को जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके दो। बोल जाता है ये जो हमारा लैंग्वेजेस वाला टॉपिक है ना, लैंग्वेजेस जो शेड्यूल है उसमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर है। तो इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके दे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला क्वेश्चन ना पता नहीं कितने ढेर सारे एग्जामों में पूछा जाता है, भोपाल गैस आपदा या फिर भोपाल गैस डाइजेस्टर। बोल जाता है किस प्रकार की आपदा थी, पहले तो इस चीज को समझ लो ये है क्या। बोल जाता है कि भोपाल में आपके पास बोल जाता है अमेरिका की एक कंपनी थी यूनियन कैरवाइट, उसकी एक फैक्ट्री यहां पे लगाई गई थी। यूनियन कैरवाइट जो अमेरिका की कंपनी थी वहां पे भोपाल में उसकी एक फैक्ट्री लगाई गई थी, और ये फैक्ट्री काम क्या करती थी, कीटनाशक दवाइयां बनाती थी। कीटनाशक आपको पता है ना, जैसे फर्टिलाइजर के या जो है ना कीटनाशक आप समझते ही हो, तो बोल जाता है उन दवाइयों को ये बनाती थी। बोला जाता है कि इसने लगभग सही तरीके से काम करा स्टार्टिंग में, पर एक इनसे एक मिस्टेक होगी, वो क्या था, बोला जाता है कि लगभग 2 या 3 दिसंबर 1984 कब, 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ कि इस फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली, और उस गैस ने लगभग भोपाल के लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में 2 से 3 हजार लोगों की जान ले ली थी, क्लियर है। तो ये क्या हुआ था, बोला जाता है एक गैस है ना, मनुष्य की लापरवाही से या यहाँ की लेबर की लापरवाही से बोला जाता है कि यहाँ पे जो गैस है एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, और उसने लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में सभी को यहाँ पे है ना एक तरह से है ना मौत की नींद सुला दिया, या फिर आपके पास क्या था, कुछ को तो यहाँ पे अपंग कर दिया गया था या हैंडीकैप उनको कर दिया था, किसी की आंखें की नजर चले जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। तो मैंने कितना बोला, लगभग 2 से 3 हजार की बात करी जाती कि यहाँ पे लोग मारे गए थे। तो इंपॉर्टेंट है ये किसकी वजह से हुआ था, मैन मेड डिजास्टर्स था, कि मतलब मानव की लापरवाही की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो यहाँ पे ये तो ठीक है भैया, क्वेश्चन तो ठीक हो चुका है। अब जल्दी से इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जहरीली गैस है ना वो कौन सी थी। जहरीली गैस का नाम था मिथाइल आइसोनेट, है ना, क्या बोल जाता है, मिशाइल आइसोनेट, मिथाइल METHYL मिथाइल आइसोनेट, ISOCYANATE, है ना, मिथाइल आइसोनेट की बात करी जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, बोला जाता है आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आधुनिक विज्ञान भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान का मतलब होता है कि मॉडर्न सिस्मोलॉजी, है ना, कि जो फादर है वो कौन है,
अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आपके पास जो ऑप्शन है वो है रिचार्ड डिक्शन ओल्डम की बात करी जाती है, ये कोल्डम नहीं है ओल्डम है ना, तो याद रखना यहाँ पे आर डी ओल्डम। इनके बारे में क्या है बोल जाता है, इन्होंने ना सबसे पहले जो आपके पास बेब्स वाला फंडा चलता है ना, जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो आपको पता है वहां से तीन तरह की बेब्स निकलती है, जिसको बोलते हैं पी बेब्स, एक को बोल देते हैं एस बेब, एक को बोल जाता है एल वेब। तो इन सब की जो आपके पास पहली बार व्याख्या करी थी वो किसने करी थी, आर डी ओल्डम, आर डी ओल्डम। और अगर हम इसी तरह से जो अर्थक्वेक के ऊपर किसी और व्यक्ति का नाम लेके आते हैं तो उनका भी आपको ही पता होना चाहिए, JOHN जोहन मिलन, MILNE मिलन। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाए आधुनिक भूकंप भूकंप विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखना आर डी ओल्डम, जो कि आपके पास क्या काम करते हैं, जो अर्थक्वेक केस में जो घटना घटती है कि मतलब एक तरंगों का सिस्टम चलता है, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव और जो आपके पास लॉन्ग वेव्स रहती हैं उनके बारे में ये पहली बार एक्सप्लेनेशन देता है। और नंबर टू पे आपके पास एक और पर्सन नाम आता है जोहन मिलने, तो यहाँ पे जोहन मिलने ऑप्शन में नहीं था, आर डी ओल्डम था। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जॉन मिलने भी ऑप्शन में हो और आरडी ऑल्डम भी आपके पास हो, अगर ऐसा होता है तब भी आपके पास आंसर जो होगा वो आरडी ऑल्डम ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। देखो इसको अगर मैं पढूं तो इसको बोल जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बोल जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक आपके पास भारतीय सरकार की एक एजेंसी है जो कि गृह मंत्रालय के अंडर चलती है, क्या बोल जाता है, क्या बोल जाता है ये NDMA, इसको शॉर्ट में बोल जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या है, इस एजेंसी का काम क्या है, ये मैंने बोला भारत सरकार के अंडर चलती है और गृह मंत्रालय के अंडर आती है, तो बोल जाता है कि इस एजेंसी का काम क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं में आने वाले जो आपके पास बाधाएं हैं या प्राकृतिक आपदाओं में जो आपके पास होने वाली जो आपके पास है ना गतिविधियां हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए काम करता है कौन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बोल जाता है इसके हेड कौन होते हैं, याद रखना भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। और NDMA की जो आपके पास शुरुआत की गई थी 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी जो आपके पास संस्था है वो लाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी, अभी हमने बात करी 1984 में और डेट क्या थी 3 दिसंबर 1984, हुई किसकी वजह से थी, एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और उस जहरीली गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोनेट, मिथाइल ME, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं METH BY L, मिथाइल आइसोनेट ISOCYANATE है ना, ATE आइसोनेट की बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है। देखो अभी अभी आपने देखा है ना कि अगर मैं यहाँ पे अमेरिका की बात करूँ तो बोला जा रहा है यहाँ पे आग जो लगती है ना वो किसकी वजह से लगती है, ज़्यादा करके जो जंगलों की आग है ना वो किसकी वजह से लगती है, तो उसको बोल जाता है बुश फायर, क्या बोल जाता है उससे इसको, बुश फायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो बुश फायर का अर्थ क्या होता है, बोल जाता है अमेरिका में एक तरह से जो आग लगने का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है कि यहाँ पे जो नमी की मात्रा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, गर्मियों के टाइम में नमी की मात्रा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब बोल जाता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि यहाँ पे अगर दो पत्ते भी आपस में, अगर एक तरह से हवा के माध्यम से आप जब आपके पास पत्ते आपस में हिलते हैं ना तो उन पत्तों में जब घर्षण होता है ना या जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन होता है ना तो उसी से आपके पास क्या होता है ये आग पकड़ लेता है जंगल। क्लियर है ये चीजें, तो याद रखना ये क्या है, जब एक तरह से नेचुरल तरीके से आग लग जाती है, मतलब दो चीजें आपस में रगड़ रही हैं हवा के माध्यम से और वही आपके पास आग पकड़ ले रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बुश आग। इसी तरह के आपके पास अभी आग, आपके आपको पता होगा दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और लगभग बोल जाता है बहुत सारे वहां पे जो आपके पास लिविंग थिंग्स हैं उनको है ना उनको यहाँ पे नुकसान हुआ था, जो भी आपके पास एनिमल्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और जो मानव जाति है उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। तो नेक्स्ट आपके पास क्या था, जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन क्षेत्र है, बोल जाता है भारत में सबसे ज्यादा जो आपके पास लैंडस्लाइड होती है ना वो कौन से क्षेत्र में होती है, गंगा घाटी क्षेत्र भाई ये तो आपको पता है ये प्लेन एरिया है, दक्षिण भारतीय पठार भाई ये तो फिर से आपके पास प्लेन एरिया है, दक्षिण भारत में आपके पास क्या क्या चलता है केरला है ना ये सारी चीजें, तो ये तो बिल्कुल प्लेन एरिया है यहाँ पे कैसे होगा, तो इसमें क्या है हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, तो यहाँ पे जो आपके पास याद बिल्कुल सही आंसर है वो क्या है लैंडस्लाइड
साइड कहां पे होता है, हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, जिस तरह से आपके पास बोल जाता है ना, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, अभी हमने ऊपर देखा, उसी तरह से आपके पास पूछा जाता है राज्यों में जो स्टेट है ना, स्टेट में भी इस तरह के आपके पास एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है, जिसका काम क्या है, जब राज्य में कोई आपके पास प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वो आगे काम करते हैं, लोगों को राहत प्रोवाइड करते हैं। तो बोल जाते हैं इसके हेड कौन होते हैं, इस टाइम इसके हेड कौन होते हैं, याद रखना मुख्यमंत्री, ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्या था, इंपॉर्टेंट है, बोल जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में होने वाले चक्रवातों ये चक्रवात है, ये साइक्लोन है ना, चक्रवातों को क्या कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो हमने लगातार अपनी रेगुलर क्लासेस में देखा है, याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, तूफान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हरिकेन, क्या बोलते हैं इसको, हरिकेन, क्लियर है। अब अगर हम तूफान की बात करें तो उसको क्या बोल जाता है अंग्रेजी में, हरिकेन। अगर मैं उसी तरह से आंधी की बात करूं, आंधी को क्या बोल जाता है, टाइफोन। पर आपको पता है टाइफोन कहाँ पे चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, टाइफोन आपके पास चलता है चाइना में। और बवंडर किसको बोल जाता है, टॉर्नेडो को, टॉर्नेडो आपके पास कहाँ पे होता है, अमेरिका में। और तूफान किसको बोल जाता है, हरिकेन। तो आपके पास हरिकेन जो नामक जो आपके पास चक्रवात है वो कहाँ से उठते हैं, अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है, ये याद रखना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। बोल जाता अमेरिका में ना एक आपके पास द्वीप है, एक आइलैंड है जिसको बोल जाता है हवाई आइलैंड, क्या बोल जाता है, हवाई आइलैंड। और ये जो आपके पास आइलैंड है ना, बोल जाता है ये किसकी वजह से बना हुआ है, वोल्केनो, ज्वालामुखी की वजह से है ना, ज्वालामुखी प्रोसेस की वजह से, या जो आपके पास एक क्रिया होती है ज्वालामुखी, उसकी वजह से आपके पास ये आइलैंड बना हुआ है। अब याद रखना ये हवाई द्वीप पे एक ही ना एक ही वोल्केनो नहीं यहाँ पे चलता है, लगभग 4-5 इसमें बड़े बड़े वोल्केनो हैं। ऐसे हमने रेगुलर क्लासेस में इसमें क्या देखा था, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था, वो हमने देखा था किलाऊ है ना, किलायू, क्या नाम था उसका, किलायू। और वो आपके पास कहाँ था, हवाई द्वीप में। पर यहाँ पे इस टॉपिक के या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, यहाँ पे हमारे पास किलायू तो नहीं था, पर यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा था, हवाई मतलब यही आइलैंड में मोनोलोआ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है ना। तो आपको याद रखना ये चीज़ें कि हवाई द्वीप में आपके पास सबसे बड़ा विश्व का एक्टिव वोल्केनो है, एक तो आपके पास हमने पढ़ा है अपने रेगुलर क्लासेस में किलाऊ, अगर किलाऊ नहीं है तो मोनोलोआ आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद माउंट फियाजियामा जापान में था, तंजानिया में था नहीं, तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करो ना तो इसने ऑप्शंस में ही बहुत ज्यादा घुमाया हुआ बच्चों को। इसमें क्या था, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें जो आपके पास भूकंप की तीव्रता है वो आपके पास बोल जाता है संशोधित मर्केली स्केल के द्वारा ही मापी जाती है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल है ना, मर्केली स्केल बोल जाता है भूकंप की तीव्रता, ये मॉडिफाइड जहां पे लगा दें तो मर्केली स्केल यहां पे ठीक है। ऐसे रिएक्टर स्केल भी हो सकता था, पर वहां पे जब आपके पास मर्केली स्केल नहीं होता था ना उस टाइम आप रिएक्टर स्केल यहां पे कर सकते थे। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जो घुमाने वाला क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता है, जो भूकंप की तरंगों के मतलब है ना जो वेव्स है, अगर उसकी इंटेंसिटी को जानना होगा तो वो किसके द्वारा जाना जाएगा, तो उस टाइम आपके पास आंसर जो होगा वो है सिस्मोग्राफ। पर यहां पे ऐसा नहीं पूछा गया था, तरंगों वाला अगर यहां पे शब्द आगे आ जाता ना तब आपके पास ऑप्शन क्या होता, सी। पर यहां पे ऐसा नहीं पूछा गया था, यहां पे डायरेक्ट क्या पूछता है, भूकंप की तीव्रता किस चीज से मापी जाती है, तो वो आपके पास बोल जाता है भूकंप को नापने के लिए आपके पास अलग अलग स्केल्स हैं, तो इसमें आपके पास आंसर रिएक्टर स्केल भी हो सकता था, पर यहां पे इसने क्या लगा दिया, मॉडिफाइड मतलब संशोधित, उसमें कुछ चेंजेस करे गए, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपके पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास कौन सा है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल, या फिर आपके पास संशोधित मर्करी स्केल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे बड़ा किसका है, याद रखना इंडिया का। इंडिया में देखा जाए तो देखो जो बसेस सिस्टम है वो आपको पता है, जो रोड कनेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर मैं जैसे रेल सिस्टम की बात करूँ वो भी अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका है, भारत का, ये सही हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, क्या था, लास्ट क्वेश्चन है, यदि आर्कटिक आपको पता है, आर्कटिक एक नॉर्थ पोल के आसपास का रीजन है, उत्तरी ध्रुव, जैसे आपके पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे आपके पास आर्कटिक है, आर्कटिक की बर्फ आपको पता है, ये जो उत्तरी ध्रुव है ना यहाँ पे हमेशा बर्फ ही पड़ी होती है, बोल जाता है बर्फ को घने जंगल से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस
की संभावना होगी। बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां की बर्फ को ना घने जंगल में बदल दिया जाए, तो इसका आपके पास बिल्कुल सही के आंसर है, जब आपके पास वैश्विक तापमान की कमी तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वैश्विक तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर आपके पास इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, इसमें सबसे सही क्या है, बोल जाता है कि अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी ना, ये आपके पास बिल्कुल ठीक था, एसोलेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इससे उसको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना था वैश्विक तापमान की वृद्धि, वृद्धि जब आपके पास पूरे ग्लोब में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तभी तो ऐसा हो पाएगा ना, बर्फ पिघलेगी, उसमें जो जमीन है, जमीन में आपके पास क्या चीजें होंगी, वहां पे आपके पास जो घास है या आपके पास जो वनस्पति है वो वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपको लास्ट में ये चीज बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।